हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। हमने सिक्स क्लास साइंस का नाइन्थ चैप्टर शुरू कर रखा है, आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन, क्या आपने कभी घोंसला देखा है जैसे कबूतर वगैरह का होता है। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन देयर नेस्ट, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने घोंसलों के अंदर अंडे सेते हैं। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, कुछ जो अंडे हैं उनमें से वो टूटते हैं और उनके अंदर से छोटे पक्षी जो उनके बच्चे होते हैं वो निकलते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जो जानवर होते हैं वो प्रजनन करते हैं, उन वो बेबी को जन्म देते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, जो उनका माध्यम होता है प्रजनन का वो सबका अलग अलग होता है। इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रो एग्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडों के द्वारा अपने जो बच्चे हैं वो पैदा करते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने जो उनके बच्चे होते हैं उनको जन्म देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस, जो पौधे होते हैं वो भी प्रजनन करते हैं लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह ही। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, परंतु जो पौधों का जो माध्यम होता है वो भी इन एनिमल्स से अलग होता है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, काफ़ी पौधे ऐसे होते हैं जो बीज के द्वारा प्रजनन करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, पौधों से बीज बनते हैं विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, जो जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं और उनके बाद उनमें से नया पौधा निकलता है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रो पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ पौधे होते हैं जो बीजों के अलावा किसी अलग पार्ट से प्रजनन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विद ए बर्ड, जो ये आलू का जो पौधा होता है उसकी एक टहनी जिसको बड बोला जाता है उसको काट कर ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, उससे एक नया पौधा बनाया जाता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रो कटिंग्स, कटिंग्स भी इन्हीं को बोला जाता है, उनकी टहनी को कहीं से काट कर उनको उनकी कलम बनाई जाती है और उनसे फिर प्रजनन किया जाता है, नया पौधा बनाया जाता है। वुड यू लाइक टू ग्रो ए प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ, क्या आप अपने आप एक इस तरीके से एक पौधा लगाना पसंद करेंगे। टेक ए कटिंग फ्रॉम ए रोज और ए मेहंदी प्लांट, एक मेहंदी का पौधा या गुलाब का जो पौधा होता है उसकी एक कटिंग लीजिए, उसकी एक कलम बनाइए। फिक्स इट इन द सोयल एंड वाटर इट रेगुलरली, उसको मिट्टी के अंदर लगाइए और उसको रोज़ पानी दीजिए। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग्स, यह हो सकता है यह आसान ना हो इस तरीके से पौधे को उगाना। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यूअर कटिंग डज नॉट ग्रो, आपको उदास या हताश नहीं होना है अगर आपकी कटिंग ग्रो ना करे। टॉक टू ए गार्डनर, किसी बगीचे वाले से बात कीजिए इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है तो। ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक दैम ग्रो इन टू प्लांट्स, उनसे बात करिए कि वह किस प्रकार केयर करते हैं जिससे कि नया पौधा कटिंग के द्वारा उगाया जा सके। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, जो सजीव होते हैं वो प्रजनन के द्वारा ही उनके बच्चे पैदा करते हैं, उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज, यह बहुत सारे तरीकों से होता है। फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों में ये इसके तरीके अलग अलग होते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सभी सजीव गति करते हैं। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल मूव, हमने जो अध्याय 8 पढ़ा था उसके अंदर डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो किस किस तरीके से गति करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं, जाते हैं और भी उनके शरीर के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, मूवमेंट होती हैं, गतियाँ होती हैं। वट अबाउट प्लांट्स, पौधों के बारे में क्या। डू दे ऑल्सो मूव, क्या पौधे भी गति करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एनकर्ड इन सोइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के अंदर धंसे होते हैं,
वो एक जगह से दूसरी जगह पर गति नहीं करते। हाउ एवर वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट टू अदर। परंतु जैसे पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, फूड सिंथेसाइज जो भोजन उनके द्वारा बनाया जाता है वो एक जगह से दूसरे जगह पर गति करता है। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। क्या आपने पौधों के अंदर कोई किसी प्रकार की और गति नोट की है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, फूलों का बंद होना और खिलना। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मोमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली। क्या आपको याद है कि किस प्रकार जो उद्दीपक हमने पढ़े थे, उद्दीपक के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया दर्शाते हैं पौधे? वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग मूविंग ऑफ कोर्स। हमारे पास कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुएं भी हैं जो गति करती हैं, ए बस, कार, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। एक बस होती है, एक कार होती है, कागज का टुकड़ा होता है, बादल होते हैं, ये सब भी निर्जीव हैं परंतु गति करते हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मोमेंट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ लिविंग बींग्स। क्या इनकी गति में और जो सजीव वस्तुएं हैं उनकी गति में कोई डिफरेंस है? देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। जो सजीव होते हैं उनकी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रजातियां हैं, वेराइटीज़ हैं उनके अंदर, परंतु कुछ गुण होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, सब में समान होते हैं। एज वी हैव डिस्कस, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। येट अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग डाई। और एक जो गुण है सब में कॉमन वो ये है कि सभी सजीवों की कभी न कभी मृत्यु जरूर होती है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। देखो कह रहा है क्योंकि प्रजातियां हैं जो वो मरती हैं, उनकी मृत्यु होती है। पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ये कह रहा है कि कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो सैकड़ों वर्ष सर्वाइव करती हैं, जीवित रहती हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर प्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। कुछ जैसे अगर कोई प्रजाति बिना ही प्रजनन के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वो प्रजाति आगे नहीं बढ़ पाती है। वही प्रजातियां आगे बढ़ती हैं जो प्रजनन करती हैं। वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। हमने देखा कि जो सभी सजीव हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ गुण समान हैं। दे ऑल नीड फूड, उनको भोजन की जरूरत होती है। रेस्पायर, श्वसन की। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। रिप्रोड्यूस, प्रजनन करते हैं। शो मोमेंट, ग्रो एंड डाई, गति दिखाते हैं, उनकी वृद्धि होती है और उनकी मृत्यु होती है। ये जो गुण हैं ये सब सजीवों में समान होते हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक। क्या हाँ कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुएं भी हैं जिनके अंदर यही गुण होते हैं? कार, बाइसाइकिल, क्लॉक एंड द वाटर इन द रिवर मूव। जो कार होती है, जो साइकिल होती है, जो घड़ी होती है, जो पानी होता है नदी के अंदर, ये सब गति करते हैं। द मून मूव्स इन द स्काई, जो चांद है वो आकाश में घूमता है। ए क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, जो एक बादल होता है उसका साइज आपके सामने ही देखते देखते बड़ा हो जाता है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग, क्या इनको भी सजीव कहा जा सकता है? वी आस्क आवर सेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल द अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। हम अपने आप से पूछते हैं, डू दीज ऑब्जेक्ट शो ऑल्सो शो ऑल द, क्या ये सभी सजीव, ये सभी निर्जीव वो सभी गुण दर्शाते हैं जो सजीवों के अंदर होते हैं? इन जनरल, समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड विद विल नॉन लिविंग थिंग मे नॉट शो ऑल दीज करेक्टरिस्टिक एट द सेम टाइम। ये कह रहा है कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर लगभग ये सारे गुण होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सब में समान होते हैं, परंतु जो निर्जीव वस्तु हैं उनके अंदर ये सारे गुण एक समय में उनके अंदर नहीं पाए जा सकते। इज दिस ऑलवेज ट्रू, क्या यह हमेशा सच होता है? डू वी ऑलवेज फाइंड द लिविंग थिंग डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्या
जो हमने ये गुण डिस्कस किए हैं, क्या सभी सजीव इन गुण सभी सजीवों के अंदर ये गुण समान होते हैं जो हमने जिनके बारे में चर्चा की है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग मे ऑल्सो शो ओनली सम ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक एंड नेवर ऑल ऑफ देम? ये कह रहा है कि क्या जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके अंदर भी ये गुण होते हैं कोई कोई इनमें से जो हमने जिनके बारे में चर्चा की है, परंतु हर समय पर नहीं। टू अंडरस्टैंड दिस ए लिटल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इसको काफ़ी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर एनी सीड से मूंग, मूंग का कोई बीज लीजिए। इट इज इट लिविंग, क्या यह सजीव है? इट कैन स्टे इन ए सोप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये किसी भी दुकान में काफ़ी महीनों तक रखा रहता है, क्या इसके अंदर वृद्धि होती है? क्या यह कोई और ऐसा गुण दर्शाता है जिससे ये पता चले कि इसके अंदर जीवन है? हाउ एवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन द सोइल, वाटर इट एंड इट टर्न इन टू ए होल प्लांट। फिर हम क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर मिट्टी के अंदर डालते हैं, उसको पानी देते हैं और फिर देखते हैं कि यह एक पौधे में बदल जाता है, वो जो बीज है मूंग का। डिड द सीड नीड फूड, क्या उसको भोजन की आवश्यकता थी? डिड इट एग्जर्ट, क्या यह उत्सर्जन करता है? ग्रो और रिप्रोड्यूस, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है? व्हेन इट वॉज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स, जब यह काफ़ी महीनों तक दुकान में रखा था। वी सी दैट देर कैन बी केसेज व्हेन वी कैन नॉट ईजिली से दैट ए थिंग हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड। कई केसों में क्या होता है, यह कहना मुश्किल हो जाता है कि जो ये गुण हमने दर्शाए हैं ये किसी वस्तु के अंदर है या नहीं। फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग, जिसके लिए हम किसी वस्तु को सजीव बोलते हैं। वट देन इज लाइफ, अब हम चर्चा करेंगे कि लाइफ फिर क्या है। लाइफ पुश योर हैंड डीप इन साइड ए सैक ऑफ व्हीट, अपने हाथ को गेहूँ की किसी ढेर के अंदर अंदर तक घुसाइए। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड, क्या आपको लग रहा है कि अंदर से गर्म है? देर इज सम हीट बींग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, जो गेहूं का जो ढेर था उसके अंदर गर्मी पैदा हो रही थी। द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, जो बीज थे वो श्वसन कर रहे हैं जिसके द्वारा कुछ एनर्जी निकल कुछ गर्मी निकल रही है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड व्हेन इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी एक्टिव। हम देखते हैं कि जो ये श्वसन की प्रक्रिया है ये एक बीज के अंदर तब भी हो रही है जब उसके अंदर सजीवों वाला कोई और दूसरा सजीवों वाली कोई और प्रक्रिया नहीं हो रही है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ, यह बिल्कुल आसान नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर देना कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। हाउ एवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल, फिर भी हमारे आसपास जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं सजीवों की, जो प्रजातियां देखते हैं, जो भी सजीवों की प्रक्रिया जो भी हम देखते हैं उसके भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जीवन है वो सुंदर है। हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।